नमस्कार, जंगे अवध के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार पर आज फिर तीखा हमला बोला। मायावती ने काले धन को लेकर किए गए वादे को प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। अमित शाह पर चुटकी बिली, माया बोली तो विरोधियों ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। जंगे अवध में सियासी महारथी बयानों के तीर चला रहे हैं। मिशन 2017 यूपी चुनाव पर सबकी नजर है। अपनी सियासी जमी को फिर से हासिल करने के कवायद में जुटी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में जब से सपा की सरकार बनी है तो तब से लेकर अभी तक यहाँ खासकर अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में ये सरकार हर स्तर पर काफी बुरी तरह से विफल रही है, जिसका प्रदेश के विकास व जनहित के कार्यों पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। मायावती ने सूबे में गुंडागर्दी और बढ़ते अपराध को लेकर एसपी को घेरा तो अखिलेश के सिपहसालारों ने मायावती को उनके भ्रष्टाचार की याद दिलाते हुए पलटवार करने में देर नहीं की। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी उनके शासनकाल में, सब पहचानते हैं, सब जानते हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। सबको पता लगेगा विधानसभा के चुनाव के नतीजों में वो कहीं आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार जनता बनाएगी। मायावती को मालूम है कि मिशन 2017 में मुकाबले में कौन कौन है। मायावती ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के यूपी के चुनावी सभा में कानून व्यवस्था को लेकर दिए बयान पर चुटकी ली तो बीजेपी ने भी पूछ डाला कि एसपी को लेकर मायावती इतनी सॉफ्ट क्यों दिख रही है। राष्ट्रपति श्री ओबामा यहाँ कर सुधारेंगे, इनके इस प्रकार के बयानों पर हमारी पार्टी का ये कहना है कि भाजपा अध्यक्ष का ये बयान ना केवल बचकाना है बल्कि बेतुका व गैर जिम्मेदाराना भी है। वो समाजवादी पार्टी के प्रति सॉफ्ट क्यों है कानून व्यवस्था को लेकर? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में खराब है और उसे उठाना बचकाना बयान कैसे हो सकता है, गैर जिम्मेदाराना कैसे हो सकता है? स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई पुराने वफादार साथी मायावती का साथ छोड़ चुके हैं, लिहाजा पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटी है। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने गाजियाबाद में पार्टी के 6 मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर भी चर्चा की। बहरहाल चुनावी रण में अभी रिश्तों की नई नई वार्ता लिखी जाएंगी, कई पुराने साथ छोड़ जाएंगे, कई नए दामन थामेंगे। लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ गाजियाबाद से अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7।